बॉलीवुड में अपनी बेहतरीन अदाकारी से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले राजेंद्र कुमार ने करीब 4 दशक तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। राजेंद्र कुमार को 60 के दशक का सबसे बेहतरीन एक्टर माना जाता था। राजेंद्र कुमार ने बॉलीवुड को कई सुपरहिट फिल्में दी। हिंदी सिनेमा में जुबली कुमार का खिताब पाने वाले राजेंद्र कुमार तुली का जीवन काफी संघर्षों वाला रहा। वेल दोस्तों, राजेंद्र कुमार के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन क्या आप उनकी पत्नी के बारे में जानते हैं कि वे कौन हैं, कैसी दिखती हैं और कहाँ हैं? वेल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको राजेंद्र कुमार की पत्नी के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। राजेंद्र कुमार का जन्म 20 जुलाई 1929 को पंजाब के सियालकोट में हुआ था, जहां इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई की। इसके बाद मुंबई का रुख कर लिया। वहीं बात करें इनकी फिल्मी करियर की, तो राजेंद्र कुमार ने अपने अभिनय की शुरुआत 1950 में आई फिल्म जोगन से की थी। इसके बाद राजेंद्र कुमार को 1957 में बनी मदर इंडिया से एक पहचान मिली, जिसमें उन्होंने नरगिस के बेटे की भूमिका अदा की थी। उसके बाद 1959 की फिल्म गूंज उठी शहनाई की सफलता के बाद उन्होंने बतौर मुख्य अभिनेता बॉलीवुड में नाम कमाया। 60 के दशक में राजेंद्र कुमार ने काफी नाम कमाया। कई दफा ऐसा भी हुआ कि उनकी 6-7 फिल्में एक साथ सिल्वर जुबली होती थी, जिसके बाद उनका नाम बॉलीवुड में जुबली कुमार पड़ गया। अपने फिल्मी जीवन में राजेंद्र कुमार ने कई सफल फिल्में अपने फिल्मी जीवन में राजेंद्र कुमार ने कई सफल फिल्में दी, जैसे धूल का फूल, दिल एक मंदिर, मेरे महबूब, संगम, आरजू, प्यार का सागर, गहरा दाग सहित कई फिल्में शामिल हैं। वहीं बॉलीवुड में अपनी फिल्मों की अपार सफलता के बाद इन्होंने पंजाबी फिल्मों में भी अपना हुनर दिखाया और वहां राजेंद्र कुमार को बहुत सराहना मिली। यही वजह है कि आज राजेंद्र कुमार बॉलीवुड का एक जाना माना चेहरा है। लेकिन 12 जुलाई 1999 को बॉलीवुड के इस दमदार अभिनेता ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बात करें राजेंद्र कुमार की पत्नी की, तो इनकी पत्नी का नाम शुक्ला कुमार है, जो कि एक हाउसवाइफ हैं, अपने परिवार को बहुत अच्छे से संभालती हैं। इन्होंने अपने आप को लाइमलाइट भरी चकाचौंध से कोसों दूर रखा, जिसके चलते सोशल मीडिया पर इनकी ज्यादा तस्वीरें नहीं मिल पाती हैं। वेल आपको बता दें कि अभिनेता राजेंद्र कुमार ने इनसे लव मैरिज की थी और जब तक राजेंद्र कुमार इस दुनिया में रहे, उन्होंने अपनी पत्नी का हर परिस्थिति में साथ दिया। इनकी पत्नी शुक्ला ने भी राजेंद्र कुमार का हर कदम पर सपोर्ट किया। आपको बता दें कि इस शादी से इन्हें 3 बच्चे हैं, एक बेटा कुमार गौरव और 2 बेटियां काजल और डिंपल, जिनमें इनके बेटे कुमार गौरव भी बॉलीवुड में नाम कमा चुके हैं, लेकिन फिल्मों में उन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिल पाई, इसलिए उन्होंने बॉलीवुड की चकाचौंध से हमेशा के लिए नाता तोड़ लिया। वहीं बात करें राजेंद्र कुमार की दोनों बेटियों की, तो वे भी बॉलीवुड से दूर रहना पसंद करती हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे तमाम अपडेट्स पाने के लिए बने रहें हमारे साथ।